कैसे हैं सब आप लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों के हिसाब से, लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि उनके हाथ ड्राई खुरदरे खुश्क हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत बेचैनी फील इंसान कर रहा होता है, उनके हाथ पैर स्पेशली ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक लोशन लेकर आई हूँ और बहुत सस्ता, सब चीज़ आपको घर में अवेलेबल होगी। ये आपको रात को लगाने हैं, रात को लगा के आप सो जाएं, इंशाल्लाह एक ही दिन के अंदर आपको अपने हाथ सॉफ्ट महसूस होंगे। और ये आप ट्राई करिएगा। इसके लिए मुझे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो है आपके पास कोई सा भी बचा हुआ हो, साबुन होगा है होता है, उसको आप क्रश कर लें। ठीक है, अभी मैंने तो उसको, ये है साबुन मेरे पास सोप, लेकिन इसको मैंने क्रश कर लिया है। और ये 2 टेबल स्पून मेरे पास पेट्रोलियम जेली है, 1 पिंच आपका सॉल्ट है और 1 पिंच आपका बेकिंग सोडा है, 2 कैप्सूल विटामिन ई की हैं और ये मेरे पास एलोवेरा जेल है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। सबसे पहले मुझे ये सोप है, इसको ओवरनाइट मुझे चाहिए, ओवरनाइट इसको रोज़ वाटर में आप उसको भिगो के रख लें। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, ये रात को मैंने भिगो कर रख दिया था, दूसरा है ये, और ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ना ज़्यादा थिक होगा और ना ज़्यादा ही लिक्विड फॉर्म में है ये। अब इसके अंदर ये जो सामान, ये जो चीज़ें हैं, ये पेट्रोलियम जेली है और कैप्सूल है, ये सब, ये सॉल्ट है और आपका बेकिंग सोडा है जो है, ये सब मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और इसको मैं किसी भी, आप इसको ना जार में किसी भी इसमें आप निकाल लीजिएगा और रात को सोते वक्त आप इसको यूज़ करिएगा और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होंगे। ठीक है, सो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप लोग रात को लगाएं, लेकिन ये पूरा फुल बॉडी पे आप लगा सकते हैं, हाथ पे, पैरों पे, बॉडी पे, लेकिन इसको फेस पर लगाने से आप लोग अवॉइड करिएगा। ठीक है, फेस पे इसको नहीं लगाना है। और लगाएंगे रात को और सुबह आपको, आप लोग अपने हैंड वॉश कर लीजिएगा, एक ही दिन में आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। कंटिन्यू इसको लगाइए आप लोग, सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा ये लोशन होता है और मैं अक्सर इसको इस्तेमाल कर रही होती हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिएगा आप लोग। मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर चुकी हूँ, अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। अब ये देखिए लग रहा है मुझे ये थोड़ा सा ठीक हो गया, तो इसके अंदर मैं और थोड़ा रोज़ वाटर शामिल कर लूँगी। ये रोज़ वाटर मैंने शामिल कर लिया है, तो ये थोड़ा और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आ गया है ये। अब आप इसको किसी भी लोशन के जो भी जार आपके पास है उसमें रख लें और रात को जिस तरह लोशन लगाते हैं उस तरह लगाकर आप लोग इसको सो जाइएगा और सुबह इसको यूज़ करिएगा। फिर मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इसको लगाने से और इंशाल्लाह आपकी स्किन सॉफ्ट और क्लीन हो जाएगी और ये आपका प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा सर्दियों का, क्या रूखी बेजान जो हैंड जो हैं आपके, तो उसका आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आप सब दुआओं मुझे याद रखा करें और आप सब दुआओं मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ या कोई भी आपका हैंड या आपके स्किन के हवाले से कोई भी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।